दूल्हा परेशान हो गया कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। बाय बाय, वापस नहीं आना घर पे। दूल्हा जा रहा है, बाय बाय, वापस नहीं आना मैंने क्या घर पे। आपके लिए थोड़ी सी और पनिशमेंट, उधर से फिर दोबारा इधर ले। अभी जो है ना, ये पार्लर लेकर जा रहे हैं दूल्हे को। हाँ जी, इधर आ रहे हैं। एक सेकंड बाबू जी, साइड। ओके, ले ले। तो आज दूल्हे को सबसे ज्यादा से यूट्यूबर मजे आ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा सुबह सुबह भाई हसनैन गया है लेने के लिए। हाँ जी भाई, फिर जैसे जैसे नेक्स्ट होता जाएगा बताते रहेंगे। कला से ईशा और मैं, हम दोनों रेडी हो चुके हैं और अभी चलते हैं घर। और आज हम जिस पार्लर से तैयार हुए हैं, तो उसका नाम है, मेरी बहन ने हमें तैयार किया, फरजाना। और ब्यूटी पार्लर का नाम है गोल्ड ब्यूटी पार्लर। गोल्ड ब्यूटी पार्लर। गोल्ड तो मतलब ऐसा नाम है ना कि वो सबको ही पता है और इजी है बहुत। अच्छा, रहीम खान से। हाँ जी, नियाजी कॉलोनी, रहीम खान से। तो जिसने भी आना हो, रेडी होना हो, तो वो भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, एड्रेस आप भी थोड़ा बता दें अपनी आवाज। नियाजी कॉलोनी में है, जेरा नियाजियों का नजदीक, यानी गली नंबर 1। हाँ, जामिया मस्जिद के बिल्कुल साथ है। तो जिसने आना हुआ वो भी आए, रेडी हो जी। और आप लोग हमारा मेकअप देख ही सकते हैं, कल भी हम यहाँ से रेडी हुए हैं, आज भी। आज तो डेली रूटीन साहिबा भी वहाँ से रेडी हुई है। तो आपने आज डेली रूटीन वाली को इन्होंने चेंज कर दिया है। बिल्कुल लुक चेंज हो चुकी है। और जो कल वलीमा लुक होगी, वो भी इंशाल्लाह यहीं से हमने रेडी होना है। और हम सब ने भी तकरीबन यहीं से रेडी होना है। आपको हमारी आज की लुक कैसी लगी, कल की आने वाली लुक के लिए आप लोगों ने इंतजार करना है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, अच्छे अच्छे कमेंट भी करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे साथ रहना है। और बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये मुकम्मल शादी के व्लॉग ईशा और मेरे, मैं कैसी लगी। और आप लोगों ने ये भी बताना है कि मैं कैसी लगी हूँ आप लोगों इस बार। बिल्कुल डिफरेंट लुक। और मैंने कहा था ना धमाका होने वाला है, तो देख ले धमाका आपके सामने, धमाका हो चुका है माशाल्लाह से। बहुत प्यारी लग रही है। मैं इन्हें बैक कैमरा भी कह चुकी हूँ, मैंने कहा आपको नजर लग जानी, इसलिए हमने नजर का टीका इनका फ्रंट पे लगा दिया है कि इनके बिल्कुल भी नजर ना लगे, क्योंकि नजर की गुंजाइश नहीं। मैं आपको कैसी लगी, भाई अपने फेस भी इस साइड पे करना है, थोड़ा हमारी साइड।
देखें यहाँ से जो है बारात अभी सड़क पे आ चुकी है और पीछे भी सारी गाड़ियाँ हैं और आगे भी जो है वो मुकम्मल सारी गाड़ियाँ। बाबर भाई भी हैं, इब्रार भाई भी हैं, बारात हमारी आगे आगे जा रही है। तो जी हम हाल में आ चुके हैं, तो नाया हमारे साथ है, नाया व्लॉग माशाल्लाह से बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है हमें। तो सबा अहमद व्लॉग भी हमारे साथ है जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत जो है अच्छा फंक्शन है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारी सारी वाईटी फैमिली ही यहाँ पे बैठी है। अच्छा। हम लोगों ने अलग से टेबल ले ली कि सब ने व्लॉगिंग करनी है ना, तो हमारी जो लोग चैनल पे नहीं आ सकते ना व्लॉगिंग में, तो उनको साइड पे हम लोग साइड पे ही बैठ गए हैं। हाँ, तो वो तो आप जानते ही हैं माशाल्लाह वन एंड ओनली माय मदर। तो ये है डेली रूटीन साहिबा, आप कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे बारात के साथ आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और सबने कमेंट में ये भी बताना है इनकी आज की जो लुक चेंज हुई है तो आपको कैसा फील हो रहा है? आपने आज माशाल्लाह से अच्छा चेंज आया, बहुत अच्छा चेंज आया है ना। हसीब ने बताना है फिर पता चलेगा अच्छी लगी या बुरी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। ये हो जाएगा, वो एंड में कर लीजिएगा। ठीक है, तो जी खाना आ चुका है, बाजी सबा ने तो कर दिया सबसे पहले स्टार्ट। क्यों बाजी आपने सबसे पहले क्यों स्टार्ट किया अभी? क्योंकि मुझे भूख ज्यादा है ना, तो बेबी है छोटा, तो उन बच्चों को माँ जिनके छोटे बच्चों माँ को बहुत ज्यादा भूख लगती है। हाँ बिल्कुल, तो खाना खाएं अगर किसी चीज की फिर भी अगेन जरूरत है आपने मुझे बताना है। ठीक है, बिना तकल्लुफ खाना जो है ना खुल चुका है और हम लोग भी खुले खा सकते हैं। चले अब आप भी स्टार्ट कर दें वरना भूख आपको मजीद लग जाएगी। तो जी अहमद भाई भी इधर आ चुके हैं, खाना फिनिश हो गया सारा, अहमद भाई ने खा लिया जी। मैं आया तो फिनिश हो गया ना, पहले नहीं कर रहे थे ये लोग फिनिश। ये अहमद भाई की सेहत का राज ये वाला खाना है। और हमारा छोटा काका अब रोने लग गया, उसको भूख लग गई है, पता नहीं बच्चे तंग आ गए, सोया नहीं है ना, नींद नहीं पूरी हुई इस टाइम, सोने का था उसका। तो आंटी आपने भी खाना खा लिया? इब्रार भाई आपने पेट भर के खाया है ना, गुंजाइश तो नहीं? आप कोई नहीं। किसी भी चीज की जरूरत हो आपने फिर भी बताना है। तैयार हो गए हैं घर, क्योंकि
आज वलीमा था, वलीमा अटेंड करके जाना था, फिर बेटी की भी तबीयत खराब है और घर काफ़ी थक गए, इसलिए हमने सोचा है कि आज वलीमा नहीं अटेंड करते, फिर चलते हैं। माजरत कर लिया हमने इन लोगों से, ठीक आप है? हमें धोखा दे के जा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई धोखे की बात नहीं है। अच्छा आंटी, नहीं आप हमें जो सुबह सुबह छोड़ के जा रहे हैं, अभी तो हमने सही तरह से फ्रेश भी नहीं हुए, हमने आपको कहा नाश्ता करें, बैठे थोड़ी देर, उसके बाद जाना चाहिए था ना आपको। सफर है, अगर नाश्ता करेंगे फिर तबीयत खराब हो जाएगी ना, इस वजह से हमने चाय पी ली है, बस यही काफी है। हम सुबह सवेरे उठ के वैसे भी चाय पीते हैं और बहुत करते हैं। अच्छा, वैसे भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना लंबा सफर किया हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते रहे हम लोग। और इब्रार भाई भी रेडी हैं जाने के लिए और बाबिर भाई भी आ गए हैं, मिल रहे हैं पापा से। ठीक है भाई।